Kene dining nata lok kedua zaman yang gue nata coronavirus COVID-19 itu kan yang nata nak cegah senang ini nok. Kena susulah kene ta dining nata lah senang kene dining Iran ne nasional país kau no Iran lah seperti nasional lah kene kau nata dang nata ngai tadi nisus sakit, baru nisus sakit tang serku. Tene awang ata hospital ina awang ata on epidio tuan le. Tene kono test pun kal tene, tene dering SARS COVID-2 jono virus ko. Ya mak COVID-19 ni tene dering test le baca jono. Tene kong iska positif nus. So pasang kong iska tak sah sah pun ata Iran iskut kan ino. Tene Iran iskut kan ino. Tene ata tiap airport ni ata screening jono. Kono hospital lain iska epidio tuan le. Iska कुमा पेशेंट वो गता ईरान ने गता फरवरी तारीख इशू स्टार्ट हुई जगह दिल्ली ऐसे तो होगे जैने वारी तारीख इशू सब्जियां दिस जगह गता ले ऐसे तो चीना वो तीन ना जगह में जो हॉस्पिटल है कुमा एडमिट चूस बिन चेस ना कुमा गता छात छात किया चीना वो कुमा एडमिट चूस के तीन है वहाँ कुमा हॉस्पिटल एडमिट कर Tening kata Delhi ni kita setor ni, tening 29 yang ini sister gue jaga kong admit sonte, tening kong test pun tak positif mana sahaja. Dua patients, jo Iran se Iran pilgrimage ke le gaye the, jo Iran se ham wapas aaye hain pilgrimage Allah khatam karne ke baad, ek patient 26 February ko ईरान तेहरान दिल्ली फ्लाइट से आया और 28 फरवरी को दिल्ली ले फ्लाइट पे ले आया तो वो पेशेंट क्योंकि हम लोग एयरपोर्ट स्क्रीनिंग पे फेब्राइल पाया गया तो उनको हम हमने उसी टाइम हॉस्पिटल में आइसोलेशन में रखा और उनका टेस्ट भेजने के बाद आज उनका टेस्ट कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आया दूसरा पेशेंट 22 फरवरी यानी 22 फरवरी को तेहरान दिल्ली फ्लाइट में आया और फिर ले 27 फरवरी को आया तो वो 29 फरवरी को से हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है और उनका भी आज कोविड-19 के लिए पॉजिटिव है। देखिए जो दो केसेस डिटेक्ट हुए हैं वो हम लोगों का जो अरेंजमेंट है स्क्रीनिंग का एयरपोर्ट पे और हम लोगों का फील्ड लेवल पे भी जो सर्वेलेंस की टीम है उसी के मुस्तैदी की वजह से ही हुआ है तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो तैयारी है वो हम पूरा प्रोटोकॉल जो है SOP है WHO का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वो फॉलो कर रहे हैं यहाँ दोनों डिस्ट्रिक्ट्स ले और कारगिल के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी है एक टीम बनाया गया है जो हमारे ईरान से जितने भी जो पिलग्रिम्स वापस आए हैं उनका डेली हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनका होम क्वारंटाइन कर रखा है जो SOP कहता है और हम लोग डे टू डे उनका रिपोर्ट ले रहे हैं और उम्मीद है कि हम लोग जितने भी प्रोटोकॉल्स उसको फॉलो करके इस प्रॉब्लम को हम कंटेन कर पाएंगे तो सर अभी लद्दाख में जो पॉजिटिव पाए गए हैं उसके लिए हमारे पास अरेंजमेंट्स हैं फैसिलिटीज किया गया है क्या है सर इसके स्टेटस के बारे में थोड़ा जो प्रोटोकॉल और SOP है वो कहता है कि इमीडिएटली ऐसे केसेस को आइडेंटिफाई करने के बाद किस तरह से हम इन पेशेंट्स को पूरा मेडिकल जो हेल्प है वो देंगे वो हम लोगों ने इमीडिएटली कर लिया है पेशेंट्स को आइसोलेट किया गया है मेन बाकी जो नॉर्मल पेशेंट्स है और साथ ही साथ जो उनके परिवार वाले हैं जो उनके कॉन्टैक्ट में रहे हैं उनको भी हम लोगों ने आइसोलेट किया है तो हम लोग को उम्मीद है कि जो हमारे पेशेंट्स हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ग्लोबली जो रिकॉर्ड आया है उसके बेसिस पे बहुत जल्दी ये लोग रिकवर हो जाएंगे हमारे पास फ्लाइट्स के पूरे डिटेल्स हैं दोनों फ्लाइट्स के डिटेल्स हैं हमारे पास वो सारे कॉन्टैक्ट्स भी हैं जो कि उस फ्लाइट्स में थे और हम लोगों ने उनको कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया है मेरा सिर्फ निवेदन ये है कि अभी हमको कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है प्रोटोकॉल यही कहता है कि हम लोग जो उस फ्लाइट में लोग थे उनको ऑब्जर्वेशन पर रखेंगे और सिम्टोमेटिक बेसिस पे हम अपना जो ट्रीटमेंट शुरू करेंगे अदरवाइज ऐसा कोई बात नहीं है कि हम उनको अलग से कोई ट्रीटमेंट देंगे सिम्टोमेटिक बेसिस पे हम उनका ट्रीटमेंट केस टू केस करेंगे बात है कि ये जो केस आए हैं ये ईरान से आए और लोकल केस कोई नहीं है और जो डेवलपमेंट चल रहा है जो प्रिपेयरनेस है उसे लगता है कि कंटेन हो जाएगा तो हमारे पास में वक्त है कि हम उसके लिए प्रिपरेशन कर पाए पूरा यहाँ की जो जनता है वो अवेयर हो जाएगी साथ में जो टूरिस्ट हैं जो टूरिस्ट को हैंडल करते हैं उनको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो मुझे लगता है कि बहुत हालत
ठीक होंगी। तो संपल साहब से एक क्वेश्चन है, तो जितने भी अभी हमारे लद्दाख के जो ले और कारगिल के काफी सारे पिलग्रिम्स अभी भी ईरान में हैं, तो उनका क्या होगा सर? इस सिलसिले में हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टच में हैं और एक पूरा प्रोटोकॉल उसमें बनाया गया है, और जैसे ही कोई खबर आएगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे उसके बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस फ्लाइट में जो पेशेंट्स आए थे, 100% पेशेंट से हम लोगों ने कॉन्टैक्ट कर लिया है ऑलरेडी, सम फ्रॉम कारगिल उनका भी कॉन्टैक्ट कर लिया है, एंड वी हैव टेकन प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स ऑल्सो। अभी 1% भी हमारे पास ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आया जिससे कि हमको उनको कोई ट्रीटमेंट या कोई सिम्टोमेटिक रिएक्शन जो है हमको देना पड़े, तो दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स। एक चीज़ हम पब्लिक को ये बताना चाहेंगे कि ये पैनिक होने करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये केस जो बाहर से आया है लोकल केस नहीं है, हमारे कम्युनिटी में अभी स्प्रेड नहीं है, इट्स ए इम्पोर्टेड केस। जब इम्पोर्टेड केस कहते हैं तो उसको कंटेन करना हमारा एज पर द प्रोटोकॉल जितना कंटेनमेंट मेजर्स है वो हमारा अभी ग्राउंड में एब्सोल्युटली चल रहा है एज पर द प्रोटोकॉल। उसमें क्या होता है, कंटेनमेंट जोन बनाना होता है, बफर जोन बनाना होता है, जस्ट दोज थिंग्स हैव बीन डन। और अगर किसी को कोई इस सिचुएशन के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ने कंट्रोल रूम बनाया है, ले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनका नंबर है 01982257416, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कारगिल का नंबर है 01985232263, और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट यूटी लद्दाख का 24/7 कंट्रोल रूम नंबर है 01982256462। ये हमारा इन पे आप किसी भी टाइम 24/7 है कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर कोई जो इसमें जैसे जो दो जो फ्लाइट है जिसमें हमारे जो अभी डायग्नोस केसेस आए हैं उसमें एक फ्लाइट है फ्लाइट नंबर SG151 जो February 28 को दिल्ली ले आया है, उसमें 146 पेशेंट पैसेंजर्स थे, अगर उनको कॉन्टैक्ट करना है हमारे इस इन कंट्रोल रूम के नंबर्स पे उन्होंने हमें इन्फॉर्म करना है कि हम उसमें आए थे और हमें साइनिंग सिम्टम्स नहीं है, जैसे कोई साइनिंग सिम्टम्स डेवलप होता है तो इन नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट करेंगे तो हम उनको केयर कर पाएंगे। और दूसरा फ्लाइट है एयर इंडिया 445 27 February 2020 को आए हैं, उसमें 110 एडल्ट्स थे और एक इन्फेंट था। तो ये वाइडली हम ये कंट्रोल रूम नंबर्स द्वारा 24/7 चलेगा। किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई हमें इन्फॉर्मेशन देना है तो ज़रूरी है, और कम्युनिटी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पैनिक ना फैलाए। कम्युनिटी को ये है कि जो भी हमारे केसेस आ रहे हैं बाहर से आ रहे हैं, हमें सबको पता है कि हमारे एरिया में बाहर से कौन आया है, तो उनको नज़र रखना है और उनको चेक करना है कि वो क्वारंटाइन में रह रहा है कि नहीं रह रहा है, वो हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कम्युनिटी का। और एक लास्ट क्वेश्चन सर, जब हम प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं तो सारे जो केमिस्ट है वहाँ पे हैंड सैनिटाइजर्स नहीं मिल रहे हैं, तो उसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? कैसा मास्क भी है साथ में, तो उसके बारे में क्या कहना है? हैंड सैनिटाइजर इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे हमारा है फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विथ सोप एंड वाटर, जब भी आप करेंगे दैट इज मोर इफेक्टिव देन हैंड सैनिटाइजर। हैंड सैनिटाइजर नहीं होगा कभी कोई वो नहीं है, वो हमें सोप इन वाटर यूज करना है, दैट इज द ओनली दैट इज द सबसे बड़ा प्रिवेंटिव मेजर वो है। और मास्क की बात कर रहे हैं, मास्क इज नॉट गोइंग टू प्रिवेंट रिसीविंग गेटिंग द इन्फेक्शन होने में प्रिवेंट नहीं करेगा, अनलेस यू आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ए नोन केस और पेशेंट हु इज ऑलरेडी हैज गॉट द डिजीज। मास्क में ये है कि हाँ, किसी को अगर कॉफ वगैरह स्नीजिंग हो रहा है तो दे शुड वो मास्क यूज करना चाहिए ताकि दे डोंट स्प्रेड इट टू द अदर पीपल। उसमें ये है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। सोशल डिस्टेंस में क्या है कि एनीबॉडी कोई भी किसी को कॉफ और स्नीजिंग हो रहा हो तो उससे कम से कम 1 मीटर पे हम डिस्टेंस मेंटेन करें, 1 मीटर में नहीं 3 फीट लगभग हमें मेंटेन करना पड़ेगा। और कॉफ एटिकेट, कॉफ कोई स्नीज कर रहा है तो स्नीजिंग के टाइम या कॉफिंग के टाइम अगर आपके पास हैंडकरचीफ है या टिश्यू पेपर है उसके साथ कवर करना है ताकि वो ड्रॉपलेट स्प्रेड ना हो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो तो हाथ ऐसे नहीं रखना है, अपने एल्बो को रेफर करके कवर करना है ताकि वो ड्रॉपलेट स्प्रेड ना हो। जैसे सर ने अभी बताया आपको, मास गैदरिंग को अवॉइड करना इज एडवाइजेबल, बट बिल्कुल नहीं हो सकता है तो वहां पर जैसे सीएमओ साहब ने बताया कि जो हाइजीन के जो कुछ इश्यूज है उनको आप फॉलो करिए, तो आई एम श्योर कि विल बी सेफ।
बट प्रेफरेबली मास गैदरिंग्स को अवॉइड करना इज अ गुड चॉइस। और ये जो मास गैदरिंग है ये इसको हम एक और तरीके से भी ले सकते हैं, जैसे जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे कल प्रोग्राम है तो उनके जो लीडर हैं, जो रिलीजियस लीडर हैं, वो जनता को ये मैसेज देंगे तो और अच्छे से हम बात को फैला सकते हैं। तो अगर हम उनको एजुकेट करें और वो लीडर्स उनको बताएं कि आप कैसे कैसे रहें, कैसे अपना साफ सफाई रखें, तो मुझे लगता है उसका बहुत असर पड़ेगा।